एडिबल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है रुचि सोया, और लगभग 5 दशकों में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत आंधी तूफान, झंझावात इस कंपनी ने देखे हैं, और हजारों लोगों का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, उसकी बदौलत आज ये रुचि सोया कंपनी, क्योंकि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ इसमें 30 साल पुराना है, कुछ 40 साल पुराना है, जहाँ जितना ज़रूरी था वहाँ कुछ जगह चेंज भी किया है प्लांट आदि में, बाकी सब लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा था कि यहाँ कुछ 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग कंपोनेंट हैं इसके, कहाँ पर क्या क्या क्रैशिंग होता है, कहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन होता है, कहाँ कौन सी चीज़ रिफाइन होती है, तो बेसिकली सोया का ये प्लांट है। और जो है इस कंपनी के प्रारंभ से ही सोया का भाव क्या होगा सोयाबीन का, वो ये प्लांट तय करता था, और अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी मेहनत इसके पीछे लगी है, और सोयाबीन तेल किसी को खाना है या सोया की बड़ी किसी को खानी है तो उसका पर्याय जो है वो रुचि माना जाता है, क्योंकि उस विचार को, उस पूरे तेल के उस बाजार को कोई ड्राइव करता है तो वो रुचि सोया कंपनी है, रुचि ब्रांड है। और इसमें महाकोश और रुचि स्टार, ये दो सोयाबीन के बड़े ब्रांड हैं इस रुचि सोया इंडस्ट्री। मांगलिया प्लांट का ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर 11 लाख टन सीड को क्रेसिंग करने की कैपेसिटी है। और फिर उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसका कहीं बड़ी बनाते हैं, कहीं पर उसका फ्लोर बनता है, उसमें DOC तैयार होता है, तो सारे अलग अलग प्लांट्स आपको विजिट कराएंगे। अभी जहाँ आपको लेकर के चल रहे हैं, सोया बड़ी बनाना और खाना ये रुचि ने सिखाया है, और उसका नाम न्यूट्रिला है। तो मैंने न्यूट्रिला का मतलब ही होता है सोया बड़ी, सोया चंक्स, जो भी आप उसको बोलिए। जैसे इस देश में अलग अलग नाम हो गए थे, साबुन का मतलब पहले लक्स हो गया था, टूथपेस्ट का मतलब एक ज़माने में कोलगेट हो गया था, ऐसे ही बड़ी का मतलब न्यूट्रिला। और सोया, रुचि सोया जो कंपनी है, वो सोयाबीन की पर्याय थी इस देश में, आज उसका अलग अलग कंपोनेंट्स आपको अलग अलग फैक्ट्रियों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सोया फ्लोर हमने बनाया, वो ड्राई फ्लोर, मतलब सूखा माल यहाँ पे देते हैं, फीडिंग पॉइंट है ये, जितना फीड चाहिए उतना कंट्रोल करके ये DDC बोलते हैं इसको, इस पर हम पानी और स्टीम दोनों मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ये एक्सफ्यूजन हो गया, एक्सफ्यूजन के बाद में ये सर ये मेटल ग्रेनुल्स होने के बाद ये ड्रायर में आ जाता है, ये ड्रायर में चीन पे ड्रायर है, इसके बाद में ये मेटल सूखने के बाद ये कूलर है, क्योंकि मेटल जब ड्राई करते हैं उसमें थोड़ा टेम्परेचर रहता है, गर्म रहता है, वो टेम्परेचर कम करने के लिए कूलर, कूलिंग के बाद में फिर ग्रेनिंग चल जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसा इतना ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा चूरा हो जाता है, थोड़ा ओवर से मेटल होता है, वो सेपरेट करके एक जैसा मेटल को पैक। न्यूट्रिला की सोया चंक्स, छोटी और बड़ी, जो बड़ी हो जिसको बोलते हैं, और उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये तीन तरह से आपको न्यूट्रिला के सोया चंक्स छोटे और बड़े साइज में और उसके ग्रेन्यूल्स, ये अलग अलग आपको मिलते हैं। और पूरे देश में सोया बड़ी का, सोया चंक्स का या सोया ग्रेन्यूल्स का सबसे बड़ा ब्रांड वो न्यूट्रिला है। उसकी आप ये पूरा पैकिंग यहाँ पर हो रही है, अभी ये सोया चंक्स की पैकिंग है यहाँ पर है, इसमें छोटे बड़े पैकिंग साइज़ हैं,
माने ये 10 रुपए के पैक से लेकर के 1 किलो और फिर कट्टों के अंदर बल्क पैक भी जो है वो मिलता है। और पूरे देश में आज सबसे बड़ी इस न्यूट्रिला के बड़ी की सोया चंक्स की एक पहचान है, लोगों का भरोसा है। उस भरोसे को तैयार होने में 40-50 सालों की मेहनत लगी है, जिसका एक पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोया बड़ी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में आलू के साथ अलग अलग चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको भी अलग अलग रेसिपी के अंदर यूज किया जाता है। आप सब देखते हो, खाते हो, हमने तो उसका पूरा प्रोसेसिंग और उसकी जो पूरी जो प्रक्रिया कैसे चल रहा है वो थोड़ा बताया। पकाने के बाद ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नरम हो जाता है, नरम हो जाता है, और इसमें वो स्पंज भी आता है ना। पहले तो एक बार तो पकाया हुआ है ना ये, हाँ एक बार तो पकाया हुआ है, घर में पक रहा है तो दोबारा पकता है। ये ग्राइंडर है, उसमें अपने 7 पैकेट अंदर रखते हैं, ऐसा 7 वाला 5 पैकेट और अंदर रखते हैं, टोटल 300 पैकेट इस बैग में है। सारे पाउच पैक हमारे इसमें जाते हैं, ऐसा मतलब 5 मिनट में। हाँ, फुल इससे कम तो हम बेचते ही। ये कितना हो गया? 3 किलो का, 300। और वो कार्टन में वैसा जाता है, बॉक्स वाला। ये जो आपको अभी हमने दिखाया, सोया चंक, सोया बड़ी या सोया के ग्रेन्यूल्स, ये सब इंटरनेशनल क्वालिटी का सारा प्रोडक्शन तैयार होता है। इंटरनेशनल क्वालिटी की ही पैकेजिंग कैपेसिटी है, जो पूरी बाई तरफ आप फैक्ट्री देख रहे हो, बाहर से बहुत विशाल काय है। यह जो पूरा प्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है और इसका जो पूरी प्रोसेसिंग है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की है, और इसी से हम बाहर भी भेज रहे हैं वही क्वालिटी का सामान, और देश में भी उसी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर जैसे आम बहुत अच्छी क्वालिटी का तो एक्सपोर्ट हो गया, और थोड़ा सा घटिया सा है तो हमने खा लिया। बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल बाहर भेज दिया और सामान्य क्वालिटी का हमने खा लिया, ऐसा नहीं। जो हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिला सोया चंक्स या सोया ग्रेन्यूल्स, वही हम यहाँ देशवासियों को भी दे रहे हैं, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोसेसिंग के, क्वालिटी के, उसके जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब में इक्वल हैं, चाहे वो हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं या देश के लोगों को दे रहे हैं। और आज प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स और जो सात्विक सोर्स है शाकाहारियों के लिए, वो सोया बड़ी है। तो ये रुचि सोया का महाकोश ब्रांड है, जैसे मैंने कहा एक महाकोश ब्रांड है ऑयल का, महाकोश रिफाइंड सोया ऑयल, एक न्यूट्रिला प्रीमियम ब्रांड है वैल्यू एडिशन के साथ में, और माधुरी दीक्षित के साथ इसका ब्रांड को इंडोर्स करके और एडवर्टाइजिंग बनाया हुआ है, और उसी का ये चल रहा है बहुत पहले से। 25,000 टन महीने का अभी ये चल रहा है। तो महाकोश और न्यूट्रिला और रुचि स्टार, ये सोयाबीन ऑयल के बहुत बड़े ब्रांड हैं, और 35,000 टन से ज़्यादा महीने में लोग पूरे देश में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ 5 लीटर जार और फिर 15 लीटर का भी नीचे उसका कैप पैकेजिंग करते हैं, जार भी और टीन भी या इनसाइड ही बनाते हैं। तो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को प्रोसेस करके और खांचे में ढाल करके ये तैयार हो जाते हैं। तो आपने अंदर ही ये सारी कैपेसिटी है, और इसी से ही इकोनॉमिक वायबिलिटी आती है, ग्राहकों को उचित दामों में हम ये सामान दे सकते हैं। तो चाहे वो 5 लीटर का जार है, चाहे 15 लीटर का टीन है, वो यही बनाते हैं और यही पैक करते हैं फिर उसमें तेल।
महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के साथ साथ इसी में मैंने कहा रुचि स्टार, क्योंकि रुचि सोया इंडस्ट्री के ही ये ब्रांड हैं, तो रुचि स्टार में भी ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का ये दो अलग अलग तरह के ब्रांड हैं, रुचि स्टार और महाकोश। साथ में न्यूट्रीला में भी जो है सोयाबीन ऑयल मिलता है। तो ये दो ब्रांड तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बोतल भी है, इसमें 5 लीटर का जार भी है, इसमें 15 लीटर का टीन भी है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। और उसमें क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाती है जब आप 15 किलो का टीन लेते हैं, तो बोतल लेते हैं तो उसमें पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसके भाव कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी आपको मिल रहा है रुचि सोया से, उसमें क्वालिटी से लेकर के और हाइजीन से लेकर के और उसके MRP तक, हमारा प्रयास होता है कि आपको हम उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट कम से कम मूल्य में हम आपको उपलब्ध करा सकें। और क्योंकि बार बार हमने कहा है बिजनेस हाउसेज के लिए, MNCs के लिए देश एक बाजार हो सकता है, हमारे लिए देश एक परिवार है, और उस परिवार भाव से ही पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ ये सारे उत्पाद आपको हम उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर ये 15 लीटर का टीन और 15 लीटर का जार महाकोश का भी है, और तुलसी ब्रांड भी मध्य प्रदेश के काफ़ी जो है इलाकों के अंदर का प्रसिद्ध है, और इसको रीयूज भी कर लेते हैं लोग, तो एक तरह से वेस्टेज नहीं है। माने तेल प्रयोग करने के बाद लोग, क्योंकि एक बार खरीद लेते हैं 2-3 महीने के लिए, कोई किसी घर में 4-5 लीटर, किसी घर में 10-15 लीटर, बड़े घर में यूज होता था तो बड़ा जार खरीद लेते हैं लोग और उसका ये रीयूज कर लेते हैं, पानी भरने से लेकर के इसमें दाल आटा चावल कुछ भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 15 लीटर जार की भी, 1 लीटर की बोतल की और 1.5 लीटर पाउच की। पूरे देश भर में लगभग रुचि सोया के ही ऑयल्स को ही देखा जाए, और माने रुचि ब्रांड से न्यूट्रीला, महाकोश, ये सब मिलाकर के 7 से 10 करोड़ घरों में रुचि की पहुंच है। माने इतना बड़ा ये ब्रांड है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का भरोसा है, और ये इतना बड़ा भरोसा एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे लगभग 50 वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है, और लोगों ने भी इस भरोसे को कायम रखा, इसलिए इतना बड़ा ब्रांड बना। और इसीलिए हमने रुचि सोया को दिवालिया होने से बचाया कि करोड़ों लोगों का भरोसा और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाखों लोगों का रोजगार और एक देश का बहुत बड़ा एसेट पतंजलि ने रुचि सोया को टेक ओवर करके बचाया, और अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रीला की बड़ी चंक जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर ग्रेनुलर्स भी हमने दिखाए थे, वो तो आप 10 रुपए का पैकिंग और 1 किलो तक का पैकिंग आपको जो है अलग अलग बॉक्सेज में या जो है आपको पन्नी में पैक मिल करके, पाउच पैक जिसको बोलते हैं, वो मिलता है। ये बड़ी जो है कट्टों में भी मिलती है, तो जहाँ बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है या घरों में जो लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, तो छोटा पैक क्योंकि महंगा पड़ता है तो पूरी की पूरी बोरी खरीद के ले आते हैं, तो ये जो पूरे इसको बल्क पैक बोल सकते हैं वो सोया बड़ी का यहाँ तैयार होता है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है और यहाँ पर इसको लूज बड़ी कहते हैं, वो तैयार हो रही है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ
अलग अलग तरह का उसका फिल्टराइजेशन होता है, और जो बता रहे थे कहीं उसके गम को अलग किया जाता है, कहीं उसके कलर को कम किया जाता है, और पूरे अलग अलग प्रोसेसिंग हो करके जिसको आप रिफाइंड ऑयल कहते हो, तो वो रिफाइंड ऑयल आपको मिलता है। और ये जो पूरी रिची सोया इंडस्ट्री है उसकी तो इसमें मास्टरी है, और ये बहुत बड़ा प्लांट है, उसका थोड़ा सा संकेत आपको हमने यहाँ से दिया है। ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसको पूरा विजुलाइज करना भी, ये भी एक तकनीक है, एक कुशलता है, एक स्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा संकेत रूप में हम दिखा रहे हैं। ये सोयल एसेटिन प्लांट है, जहाँ पर जो गम निकाला उस गम के अंदर जो पानी था पानी को अलग कर दिया, तो ये करीब 1.7% इसका टोटल सीड का, और ऑयल का करीब 3.5% ये निकलता है, और इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये चॉकलेट में और बिस्किट आदि के अंदर वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और नॉन जीएम, क्योंकि सोया हिंदुस्तान में ही है, जिसको नॉन जीएम ये लेसिटिन चाहिए वो भारत में ही मिल सकता है, और भारत में उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन क्योंकि रुचि सोया करता है, ये एक इसका बायो प्रोडक्ट है ऑयल का। मैं कह रहा था जैसे जैसे रिफाइन करते हैं उसमें से अलग अलग कुछ तत्व निकलते हैं, तो उसमें ये एडिबल चीज़ों के अंदर लेसिटिन बहुत महंगा और अलग अलग प्रकार के गुणों से, न्यूट्रिएंट से भरपूर तत्व है, इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट भी बहुत अच्छा।